हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो गर्मियाँ तो आ ही गई है, तो मैंने सोचा आपके साथ तो मैंने बहुत सारे मिल्कशेक की रेसिपी शेयर की है, तो आज मैं आपको कुछ अलग रेसिपी बताती हूँ। तो आज मैं आपको ये बिल्कुल हेल्दी बादाम मिल्कशेक की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही गाढ़ी, क्रीमी और बहुत ज़्यादा डिलिशियस बनती है, और ख़ास करके बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया सा बादाम शेक बनाने के लिए यहाँ पे एक हैवी बॉटम पैन में मैंने लिया है 1 लीटर दूध उबालने के लिए। तो ये रेगुलर टोन्ड मिल्क ही मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी हम इसको गाढ़ा ही करने वाले हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फुल फैट मिल्क ही यूज़ करें, नॉर्मल दूध जो भी आपके घर में आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें अच्छा सा एक बॉयल आ जाएगा, ये देखिए अच्छा सा बॉयल आ गया। गैस का फ्लेम हम लो मीडियम रखेंगे और इसे लगातार बॉयल होने देंगे और पकने देंगे 3 से 4 और मिनट के लिए, या फिर जब तक ये थोड़ा सा रिड्यूस होके थोड़ा सा कम ना होने लगे। बहुत ज़्यादा भी इसे रिड्यूस नहीं करना है, बस 20% 10-20% तक के इसे थोड़ा सा कम करना है, मतलब ऐसे थोड़ा सा गाढ़ा हो जाना चाहिए। और आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इसको बीच बीच में स्टर करते जाइए, वरना ये नीचे से चिपक सकता है। तो जब तक ये उबल रहा है गैस का फ्लेम हम लो रख देंगे। इसको मैं बीच बीच में चेक भी करती जाऊंगी। तो जब तक दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है, पक रहा है, लो गैस में हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान भी रखेंगे इसका। तो चलिए हम बाकी की तैयारी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बादाम लिए थे, करीबन ये 12 से 15 बादाम है, जिसको मैंने रात भर भिगो के रखा था, और सुबह मैंने इसकी जो स्किन है वो निकाल दी है। तो ये बादाम छीले हुए भीगे हुए मेरे पास रेडी है। इससे हमको परफेक्ट क्रीमी और बादाम का फ्लेवर मिलेगा शेक में, यही सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस शेक का। तो इसको अभी हमको क्रश करना है। तो क्रश करने के लिए बहुत आसानी से क्रश तो नहीं हो जाएंगे, तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक छोटे से ब्लेंडर में या फिर चटनी ग्राइंडर में। छोटा सा ब्लेंडर लीजिएगा, क्योंकि बहुत थोड़े हैं ना, तो इसको थोड़े से छोटे से ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लीजिए। और ये ऐसे ही नहीं पीसने वाले, इसको पीसने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा 2 टेबलस्पून पानी या फिर 2 टेबलस्पून दूध। तो जो भी आपको चाहिए उसमें ऐड कर लीजिए और फिर इसको ग्राइंड कर लीजिए। तो इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ऐसा दिखता है। ये बहुत ज़्यादा पेस्टी नहीं है और बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम दरदरा नहीं है और एकदम पेस्टी नहीं है, थोड़ा उसके बीच का है। और इसी पेस्ट का ना पूरा फ्लेवर आ जाएगा दूध में। ये रेडी हो गया, इसको अभी हम साइड में रख देंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने एक छोटे से बोल में लिया है 1/2 कप दूध, जो कि मैंने अलग कर लिया था पहले से। ये बॉयल किया हुआ दूध है, ये ऑलरेडी बॉयल्ड है और रूम टेम्परेचर पर है। इसमें मैं मिला दूंगी बस 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ 2 टीस्पून ही यूज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिएगा, वरना आपका कस्टर्ड ही बन जाएगा, मिल्क शेक नहीं बनेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ये वाला डब्बा यूज़ कर रही हूँ, बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है। नॉर्मली ये वही वाला कस्टर्ड है जो कि आप फ्रूट कस्टर्ड के लिए यूज़ करते हैं। इसी से हमारा जो शेक है ना वो एकदम गाढ़ा होगा, और मार्केट में भी यही यूज़ किया जाता है एज अ थिकनिंग एजेंट। इसे मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इसे साइड में रख देंगे। तो हमारा बादाम का पेस्ट भी रेडी है और ये कस्टर्ड का मिक्सचर भी रेडी है। चलिए दूध भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने बीच बीच में इसे स्टर कर लिया था 1-2 बार, ताकि ये नीचे से जले ना। और ये देखिए थोड़ा सा कम हो गया, हमको थोड़ा ही कम करना है, इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और इसके साइड्स में जो मलाई जम रही है ना, इसको भी स्क्रैच करते करते दूध में ऐड करते जाएंगे बीच बीच में, ताकि मिल्क शेक और भी मलाईदार बने। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है मलाईदार दूध, बीच बीच में मलाई आ जाए, मुँह में तो एकदम से रबड़ी जैसी फीलिंग आती है, उसका तो क्या कहना। चलिए ये सब बातें साइड में, अब इसमें ऐड करेंगे फ्लेवरिंग। तो फ्लेवरिंग के लिए सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे, इससे टेस्ट तो आएगा ही, साथ में इसको अच्छा हल्का एकदम केसरी कलर मिलेगा। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे करीबन 1 से 2 और मिनट के लिए, या फिर जब तक ये फ्लेवर अच्छे से इसमें चले ना जाएँ और केसर अपना रंग ना छोड़ने लगे। तो करीबन 1-2 मिनट के बाद मैं इसमें डालूंगी शक्कर। तो ये देखिए शक्कर मैं यूज़ कर रही हूँ करीबन 1/2 कप, 1/2 कप जितना आप कह सकते हैं, करीबन ये 150 ग्राम के आसपास होगी। क्योंकि क्या होता है ना, ये दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाता है और कम हो जाता है, तो उसमें मिठास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पर आप अपने हिसाब से मिठास चेक कर सकते हैं, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली 1 लीटर दूध को जब आप गाढ़ा करते ना, तो आपको 150 से 200 ग्राम के बीच में ही शुगर लगेगी। तो इसे भी मिक्स करते जाएंगे जब तक ये शुगर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए 1 मिनट के लिए। और अब हम इसमें डाल देंगे मेन फ्लेवर, जो कि हीरो ऑफ द रेसिपी, बादाम का पेस्ट। तो सारे बादाम का पेस्ट इसमें डाल दीजिए और फिर इसे मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी और देर के लिए, करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, जैसे बादाम का पूरा फ्लेवर अच्छे से रस बस जाए इस दूध में और बादाम जो है ना अच्छे से पक भी जाए दूध में। तो इसे लगातार ऐसे पकाते जाइए।
तो ये देखिए करीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं, दूध थोड़ा सा ना और क्रीमी हो गया क्योंकि हमने इसमें बादाम डाला था, थोड़ा सा कम भी हो गया है। इसमें अच्छे से सारे फ्लेवर्स आ गए हैं, इलायची का, केसर का फ्लेवर भी आ गया, थोड़ा सा कलर भी छूट गया है केसर का, और बादाम का जो पेस्ट है ना वो भी अच्छे से कुक हो गया है इसमें। तो अब इस समय हम इसमें डाल देंगे थिकनिंग एजेंट। तो इसको थिक करने के लिए इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर। तो इसे एक बार में मत डालिए, इसको 2 बैचेस में डालेंगे और लगातार ऐसे मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। तो गैस का फ्लेम मीडियम करके ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर डालते जाइए और लगातार मिक्स करते जाइए और इसमें बॉईल आने देंगे करीबन 1-2 और मिनट के लिए। जैसे हल्का सा गाढ़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ना इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा कि एकदम कस्टर्ड ही बन जाएगा। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है और लंपी हो रहा है तो आप इस तरह से विस्क से इसको ऐसे थोड़ा सा चला सकते हैं, थोड़ा सा सब मिक्स कर सकते हैं ताकि इसमें कोई भी गांठें होंगी ना तो वो टूट जाएंगी। तो मैंने इसको पकाया कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए काफ़ी थिक पोरिंग कंसिस्टेंसी का आ गया है। हमको ऐसे ही थिक पोरिंग कंसिस्टेंसी का चाहिए पीने के लिए क्योंकि हम मिल्क शेक बनाने जा रहे हैं और ये फ्रिज में जाने के बाद ना थोड़ा और सेट हो जाता है, तो पहले से ही आप कंसिस्टेंसी इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। इसी वजह से हमने डाला था इसमें सिर्फ 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया और जो बैक ऑफ द स्पून है ना इसको कोट कर रहा है। ये देखिए स्पून के पीछे बस ऐसे चिपक रहा है हल्का सा। तो बस इतनी स्टेज काफ़ी है, एट दिस स्टेज आपको अपना गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा और लंपी हो जाएगा। इस वक्त हम इसमें डाल देंगे थोड़े से चॉप किए हुए बादाम, थोड़े से काजू मैं डाल रही हूँ और थोड़े से पिस्ता फॉर एक्स्ट्रा टेस्ट, क्रंच एंड रिचनेस। इन सारी चीज़ों को भी मिक्स कर लेंगे और अब इसे ठंडा होने देंगे हल्का सा, मतलब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए या फिर जब तक कि अच्छा सा ठंडा चिल्ड ना हो जाए, तो ही तो मज़ा आएगा इसको पीने का गर्मियों में। तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था सेट करने के लिए करीबन 3 घंटों के लिए क्योंकि उससे ज़्यादा समय मेरे पास है नहीं, तो मैंने इसको 3 घंटे के लिए बस सेट करने के लिए रख दिया था। ये देखिए एकदम गाढ़ी कंसिस्टेंसी का हो गया, बहुत ही थिक और क्रीमी दिख रहा है और अच्छे से सेट भी हो गया और ठंडा भी हो गया, मतलब बहुत ठंडा तो नहीं हुआ 3 घंटे में लेकिन अच्छा खासा ठंडा हो गया। अब इसको हम पोर करेंगे ग्लासेस में। तो यहाँ पे मैंने ये वाले ग्लासेस लिए हैं, बियर मग्स नॉर्मली इसको कहते हैं, इसी में सर्व किए जाते हैं ये मार्केट में भी और कोई भी रेस्टोरेंट्स में अगर आप पियेंगे तो। तो इसमें हम पोर करेंगे हम ये गाढ़ा क्रीमी बादाम मिल्क शेक। ये देखिए जब मैं इसमें पोर कर रही हूँ आपको देख के ही अंदाज़ा लग रहा होगा कितना क्रीमी और ये स्मूथ भी बना है। ऐसा नहीं कि इसमें बीच बीच में चंक्स दिख रहे हैं, एकदम गाढ़ा क्रीमी और स्मूथ बादाम मिल्क शेक बना है। तो इसको अच्छे से भर लीजिए, तो दूसरा ग्लास भी अच्छे से भर लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही कंसिस्टेंसी का आपका होना चाहिए। और मान लो अगर आपकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई ना सेट होने के बाद, तो आप इसमें नॉर्मल बॉयल किया हुआ ठंडा दूध थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं बाद में। तो बस इसको मैंने दोनों को भर लिया, अब इसको हम गार्निश करेंगे फिर से थोड़ा सा बादाम डाल के। तो दोनों में अच्छे से बादाम डाल दीजिए, फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से काजू के टुकड़े भी दोनों में और फिर थोड़े से फाइनल कलर के लिए थोड़े से पिस्ताचियोस। आप चाहें तो यहाँ पे टूटी फ्रूटी भी यूज़ कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए, वो भी बहुत ही कलरफुल लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है। तो बस इसे ठंडा ठंडा गर्मियों में सर्व कीजिए। जब ये बादाम शेक आप पियेंगे ना ठंडा ठंडा, बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स का क्रंच आता है ना, वाह उसका तो क्या कहना। तो आई होप आपको आज की बिल्कुल आसान सी रेसिपी पसंद आई, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा खास करके अपने बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उनके लिए, एनर्जी ड्रिंक जैसा होता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स नहीं है। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।